अरे यार निधि भाई यहाँ है नहीं, आप लोग हमको पहले क्यों उतार दिया यार। हे गाइस, राधे राधे, आप लोगों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और भाई अभी का सीन ये है कि सब लोग रेडी हो चुके हैं, भैया भी रेडी है, सब लोग रेडी हो चुके हैं, तो हम कहीं निकल रहे हैं। फटाफट गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को कि हम कहाँ निकल रहे हैं। तो फिलहाल भगवान को बोलते हैं बाय बाय और इनको देते हैं घर की पूरी जिम्मेदारी और निकल जाते हैं अपने सफर पे। और गाइस राधे राधे, समझ जाओ कहाँ जा रहे हैं। समझ रहे हो आप। तब तक आप लोग कमेंट कर दो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नमूना, क्या बात है भाई, सब गाय के ऊपर कौवा बैठा है। बांके बिहारी लाल की। तो गाइस देखो, फिलहाल हम निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। और भाई साहब पीछे तो बेबो तो गाने सुन रहे हो। मम्मी कैसे लग रहा है आपको? हम लोग रुके यहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए। अपनी जर्नी का पहला फास्टैग आ चुका है। देखो भाई ना, मैंने अभी जस्ट फास्टैग रिचार्ज किया, देखते हैं कितनी देर में खुलता है। ओह माय गॉड, खुल जा। तो गाइस फिर हम लोग एंटर हो चुके हैं यूपी में। नहीं, कहाँ पे? मौसम बिल्कुल है मस्ताना और यहाँ पे भाई हमें मौसमी का दीवाना। और गाइस पापा को देखो, पापा बेबो तो भाई अपना हेडफोन लगा के तब से बैठी है। जब से निकले गए तब से हेडफोन लगा के बैठी है। क्या मस्त गाइस, बारिश हो जाए तो बस उसका तो मजा ही गाइस, मजा आ जाएगा। बारिश भी शुरू हो चुकी है, देखो थोड़ी थोड़ी बूंद गाइस यहाँ पे आ चुकी है हमारे, उसके साथ साथ थोड़ी सी धूप भी गई है। देखो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके गुलशन ढाबा, अपना 81 माइल्स लाया पे मस्त रुकते हैं और अपना लंच करते हैं गाइस, ब्रंच वैसे सही बताऊं तो, क्योंकि अभी कितना टाइम हो रहा है, दो तीन नहीं लंच ही है। हम सब चलते हैं, मस्त अपना लंच करते हैं। तो गाइस देखो, ये रही अपनी स्वीट, मस्त मंगाते हैं यहाँ पे। अगर आप भाई आजकल लंच इसमें मिले तो पनीर पराठा, मम्मी पापा का आलू प्याज पराठा और डोसा। मम्मी भाई पराठा और डोसा दोनों खाएंगी नहीं, पर खा नहीं पाएंगे गाइस आधा भी। और तो गाइस अभी अपना खाना पीना हो गया। क्या कहना चाहोगे भैया? कुछ भी नहीं। तो गाइस पहले आने के बाद जो मज़ा आता था खाना खा के, मतलब पूरा एकदम माइंड सही हो जाता था, खाना और रेस दोनों एकदम बेस्ट था। लेकिन अब जो है, अब ये लास्ट था, अब आज देख लो 81 माइल्स, आप तो आज के बाद रुकेंगे नहीं। हम ना तो खाना सही था और ना तो रेट सही था। रेट के हिसाब से खाना सही होता तो खुश हो जाता। सरकार बदल गई तो इसका मतलब ये थोड़ी रेस्टोरेंट बदल गया। कितने बड़े बड़े एक एक बोरे वाले बड़े बड़े चिप्स कुरकुरे मिल रहे हैं हमें। देखो यहाँ झूल रही थी झूला, चलो बाहर जाते हैं भैया। अरे बाप रे बाप। तो फिलहाल हम लोग अपनी जर्नी के दूसरे टॉल पे पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ हम लोग एंटर हो जाएंगे गाइस उत्तर प्रदेश यूपी में गाइस। और भाई साहब यहाँ पे देखना बड़ा ट्रक गाइस हाइट वाइज मेरे सामने खड़ा हुआ है यहाँ पे। फाइनली गाइस 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं वृंदावन। और भाई देखो यहाँ पे सुंदर सुंदर लग रहे थे, बता रहे की इस साइड आएगा वृंदावन का गेट और यहाँ पे इनको देखो इतने तो सो रहे हैं और बहुत जगह ड्राइव कर रहे हैं ऑब्वियसली। फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं वृंदावन में गाइस। गाइस क्या बात है, देखो सुंदर सुंदर गेट, कैसे लग रहा है। हम लोग वृंदावन पहुंच चुके हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। गाइस मैं सो के उठ चुका हूँ, भैंसों की नींद लेके। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और हम पहुंच भी चुके हैं और हम पहुंचे हैं बेस्ट वेस्टर्न होटल में। तो चलो रूम है पर एक होटल जहां हम रोज रुकते हैं। भैया ने बता दिया भैया अपनी सीट और पिचका के रखता है। तो गाइस मैंने लिया था पापा का खर्चा करा के लिए, क्योंकि मुझे पापा मम्मी का पर घर जाके मुझे होटल में जाके मिलेगा 500-600 रुपया कुछ इस तरीके का होटल है। और वो देखो वो नाम है होटल का बेस्ट वेस्टर्न की तलाशी में हम लोग इधर उधर भटकते हुए। और भाई साहब देखो पूरी रोड पे हम तीन भाई। तो गाइस फाइनली हमें रूम मिल चुका है और हम अपने रूम में एंटर होते हुए ये देखो भाई, गेट बंद करो भैया, गेट बंद करो। हेलो तो गाइस ये रहा अपना रूम, एक बेड एसी है तो चल रही है और एक बड़ा बेड हो रही है।
ऐसा है कुछ रूम ये मिला है, टेबल वगैरह वगैरह। चलो अभी डिटेल बात करते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी टाइम हो गया, चलते हैं दर्शन के लिए निकलते हैं गाइस। अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैंने घड़ी तो नहीं देखा कितना बज रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 6 बज गए होंगे। तो चलो पाड़ा जी आए थे, सो गए थे थोड़ी देर, इसलिए हम लोग लेट हो गए। तो फिलहाल फटाफट चलते हैं यहाँ से, होटल से, होटल से चलते हैं और दर्शन करते हैं भाई। चले गाइस, Yes, guys, let's go. तो गाइस इतना अच्छा मौसम भगवान ने कर दिया हमारे लिए, मतलब ये देख लो क्या ही बताओ, इतनी एकदम मधुर मधुर हवा चल रही है एकदम, और बंदर आ रहा है मेरे फोन के तलाश में। गाइस तो समझ रहे हो ना, अगर फोन बंदर के हाथ लग गया। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, खतरनाक रास्ता तय करके आए है ना, कि बस समझ जाओ कि बस बच गए। अरे यार निधि बने यहाँ है नहीं, आप लोग हमको पहले क्यों उतार दिया यार। अरे यार आपने हमको पहले क्यों उतार दिया यार, वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना रहा था बहुत गए निधि बन। तो गाइस हम आप मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, भैया बेबो है और पाड़े जी यहाँ है भाई, बंदर यहाँ बहुत है, बहुत संभालना अभी एक बंदर। मधुबन कहते हैं मधुबन में राधिका नाची रे, युद्ध की मुरलिया बाजी रे, रात्रि भगवान यहाँ आज भी रास करने के लिए आते हैं। अंदर हम प्रवेश करेंगे, ना कोई पेड़ तोड़ेगा ना कोई पत्ती, क्योंकि दिन में ये पेड़ हैं और रात्रि में ये गोपियाँ हैं। निधिवन राधा रानी के चरणों का दर्शन, किसके चरणों का दर्शन है, राधा रानी के बिहारी जी के हा? किसके चरण का दर्शन है, वो पग चिन्ह किसके हैं, किसके पग चिन्ह है, कृष्ण जी के। राधा रानी का श्रृंगार महल है गाइस, जहाँ राधा रानी श्रृंगार करती थी, तो यहाँ है कुछ इस तरीके से जो भी है। तो देखो वो है भाई साहब हमारे, वो बिहारी जी राधा रानी जी। तो प्रेम मंदिर गए थे बंद हो चुके हैं, वो देखो मस्त अपने प्रेम मंदिर पर गाइस, प्रेम मंदिर बंद हो चुके हैं क्योंकि हम लोग थोड़े से लेट हो गए, निधिवन में लेट हो गए थोड़ा सा। और भाई पापा पापा गए वो रहे पापा, पापा तीन चार बार के बैठ गए ना हमें बताए वहाँ खड़े होकर सारे ढूंढ रहे यार यहाँ बैठे हैं। मेरा मस्त खाना आ चुका है सबको गाइस, आज सबके खाने में पनीर लबाबदार है, रोटी है बटर रोटी, खाना खा लेते हैं सबको क्योंकि बहुत से भूख लग गई है। आज तो खाना खा लिया, अब चलते हैं होटल वापस। छोटा सा गेम्स होने यहाँ पे, बेबो आई है, बेबो को कोई गेम खेलना है शायद से। तो हम लोग निकल चुके हैं खाना वाना खा के, अब फटाक चलते हैं अपने होटल को वापस क्योंकि कल सुबह सो रहे हैं, कल सुबह निकलना है। हाँ गए ऊपर बैठ के खा रहे थे, तो फटाक चलते गए क्योंकि कल सुबह उठ के जल्दी दर्शन करने जाना है।